हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आप मुझे किसी मुझे याद है कि पिछले वीडियो हाँ जाते हुए काफ़ी लेट हो गया, तो मुझे याद है पिछले वीडियो में आपने मुझे थॉर ड्रॉ थॉर नेक्स करके भेजा था। तो आज मैं आपके लिए थॉर की पेंटिंग लेके आया हूँ। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करें शुरू करते हैं। चलिए मैं केक से कलर लूँगा। पानी सबसे पहले ये वाला कलर लूंगा और पेंट करना शुरू करूंगा। सबसे पहले हम आंख का एरिया पेंट करेंगे। अब हम आगे करते हैं, इसी तरह से इसे बंद करते रहिए। ये हो जाने के बाद अब हमें थोड़ा पतला ऐसे ही ब्रश लेना है, क्योंकि हम थोड़ा आँख के पास का एरिया पेंट करेंगे, तो उसके लिए हमें ज़्यादा था पतला ब्रश लेना होगा। हमें इस आँख को पूरा डार्क ब्लू करना है। नहीं, अंदर तक नहीं, बस बाहर बाहर इस तरह से। दूसरी आँख पे भी ऐसे करिए, इससे आँख हाईलाइट हो जाएगी और उसके इफेक्ट काफी अच्छे आएंगे। कलर को धो लें, यकीन है कि इसी ब्रश से आपका फिर से काम हो जाएगा। तो इसी से अपना जैसा हमने पिछले वाला लाइट कलर दिया था, इस बार हम धो लेंगे इसलिए आपके जैसा हमने किया था। ये हो जाने के बाद अब मुझे मैंने डबल साइडेड ब्रश लिया था, तो मैं इस ब्रश की वन साइड इस्तेमाल करूँगा। अब मुझे चाहिए वाइट कलर। ये वाला मुझे पानी से मिला, मैं अपने ये वाला वाइट कलर ले रहा हूँ। हम आँख के अंदर ऐसे इफेक्ट डालेंगे जैसे बहुत जोर की लाइटनिंग है। थोड़ा मेरा वाइट कलर थोड़ा सूख सा गया है, तो मैं थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में पानी लेके फिर उसे कलर करूँगा। ये हो जाने के बाद हमने देखा कि हमारी ये थोड़ी जो हमने आउटलाइन की थी हल्की पड़ गई है, तो उसकी कोई बात नहीं, हमें फिर से पानी लेके उनको डार्क करना होगा जैसे मैं कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम इस ब्रश को साइड रख देते हैं, क्योंकि आगे जब हम जो कुछ बाद में हम इसे यूज करेंगे। अब आपने जो पहले भी ब्रश लिया था, अब आपको बिल्कुल वैसा ही है दूसरा ब्रश लेना। तो मैं आज ये वाला वाटर कलर भी यूज करने वाला हूँ, ये वाला वाटर कलर, क्योंकि मुझे स्किन कलर चाहिए और जो स्किन कलर का इफेक्ट असलियत में आता है वो इन वाटर कलर से आ पाता है। तो आज हम यही वाले वाटर कलर्स लेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हमें स्किन कलर के इफेक्ट डालने होंगे थोड़े थोड़े,
मेरा मतलब फुल स्किन पे। ऐसे इस कलर को दोनों साइड करें, पर बीट के नीचे के एरिया में इस वक्त ना आए, मतलब पहुंचे बल इस वक्त ना करें। ये हो जाने के बाद अब हमें ब्राउन कलर की जगह पर मुझे डार्क ब्राउन की तो हम यहाँ से लेंगे मेरे केक से, तो हमने केक से डार्क ब्राउन कलर लिया। यहाँ पे एक लाइन तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आज की पेंटिंग में हम ब्राउन और व्हाइट के बहुत अच्छे वाले इफेक्ट्स डालने वाले हैं, तैयार हो जाइए। इस ब्रश से शायद उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो हम इसे फिर से साइड में रखेंगे और अब ये वाला ब्रश लेंगे। थोड़ा पतला है और बिल्कुल वैसा ही है। इसको हम ब्राउन कलर के लिए इस्तेमाल करेंगे। देखिए अगर मैं दोस्तों से बताऊं तो ये पेंटिंग का सबसे मुश्किल पार्ट है, तो इसे बड़े ध्यान से करिएगा। अब हम यहाँ पे डार्क ब्राउन के इफेक्ट्स डालेंगे। ये लाइट ब्राउन का कलर ऐसे ही आता है। इसे थोड़ा और डार्क कर लेंगे। नाक पर भी कर डालेंगे ब्राउन के। अभी ब्राउन कलर हमें थोड़ा परेशान था, है ना दोस्तों। तो चलिए अब हम इस पर डालेंगे इधर व्हाइट के। सबसे पहले यहाँ पर कुछ ब्लैक डाल दें इधर इधर में, चलिए दोस्तों तैयार हो जाइए व्हाइट कलर लेने के लिए। पहले व्हाइट कलर हम यहाँ लेंगे, नाक के इस हिस्से जहाँ पे ब्राउन किया था उसी हिस्से की इस एरिया में डार्क ब्राइट भी करेंगे, नीचे वाले हिस्से में भी। थोड़ा पैसा भी दिखा सकते हैं जैसे थंडर एंड लाइटनिंग से, इसलिए मैं थोड़ा लाइट ब्लू कलर भी उसमें मिक्स कर रहा हूँ।
भी हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पे भी थोड़ा सा चलना होंगे जहाँ हमने काम कर दिया था। मैं इसे थोड़ा लाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे कलर थोड़ा परेशान सा कर रहा है। अब मैं यहाँ पे फिर से स्किन कलर करूँगा जिससे इफेक्ट असलियत सा है, क्योंकि हमने पहले ब्लैक पाया उसको करा तो हम बाद में इसे फिर से शूट करेंगे। अभी हमारी थोड़ी प्रॉब्लम है ऐसा हो जाता है लेकिन इससे एक रियल इफेक्ट आता है। देख सकते हैं कितना रियल इफेक्ट आ रहा है। थोड़ा और आपको डार्क ब्राउन करने में हल्का आता है क्योंकि वो थोड़ा सा हल्का बॉर्डर्स पे अच्छे से ब्राउन कलर यहाँ थोड़े अच्छे से डालिए जिससे पेंटिंग हमारी एकदम रियल हो जाएगी। व्हाइट कलर ले रहा है और माथे वाले ब्राउन कलर के ठीक है व्हाइट कलर से देखिए ना कितने रियल इफेक्ट्स आ रहे हैं पेंटिंग पे हमारी। कि मेरी पेंटिंग्स आपको पसंद आती होंगी तो अगर आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और अगर आप नए तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए इस एरिया में भी थोड़ी वाइट कलर के साथ अब हमें लाइट ब्राउन एकदम लाइट ब्राउन कलर लेना है और यहाँ इफेक्ट्स डालने हैं ताकि हम वाइट के और इफेक्ट्स डाल सकें। इसलिए
हमारे थॉर का फेस अब एकदम रियल लग रहा है। चलिए अब हम लोग पे जा रहे हैं, ये पे भी काम करना है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें बीएड के बालों के लिए ब्लैक कलर लेना होगा, ऑब्वियसली छोटे बालों के थोड़ा लाइट। हाँ, मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता था क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद बनाया, करीबन एक हफ्ता ही हो गया, उसलिए सॉरी, पर थोड़ा टाइम नहीं मिला इसलिए। चलिए अब इस मिनट को ख़त्म करते हैं। और दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू ड्रॉ, नहीं हाउ टू पेंट दी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेंट। अगले वीडियो में आपको मैं थ्रेड पेंटिंग के बारे में बता दूँ। तरह से बियर्ड के पूरे स्टाइल को पेंट करें। आप देख सकते हैं कि मैं ऐसे ही चलता गया और मैंने थॉर के लिए बियर्ड वाला एरिया को पेंट कर दिया। ऐसे ही आपको दिखाऊंगा। मैं सोचा कि थॉर के ये एरिया तो था, ऐसे तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर। चलिए अब हम इसे सबसे पहले लाइट ब्राउन कलर और डार्क ब्राउन कलर में मिक्स कर दूंगा। चलिए हम डार्क ब्राउन कलर करते थे क्योंकि उसका इफेक्ट नहीं आया। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस कलर से जैसा हमने पहले किया था वो वैसे ही। तो चलिए देखा, आप देख सकते हैं कि मैंने अब इसे पूरा डार्क। तो चलिए अब हम आगे। तो अब हमें फेस को करना होगा। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप इसके होटल में कुछ भी गड़बड़ कर दें तो मुंह खराब हो जाएगा। इसके होटल को ऐसे ही रखिए, और अगर आप चाहें तो एकदम पतले ब्रश से, बहुत पतला ब्रश, काफ़ी बहुत पतला, और फिर बहुत ज़्यादा, और उसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं होना चाहिए, बहुत थोड़ा सा कलर होना चाहिए। ये ज़्यादा कलर है, मैं ऐसे नहीं लूँगा। मैं ऐसा ब्रश लूँगा जिससे मैं एक स्ट्रेट लाइन बना सकूँ। तो मैं इस ब्रश को सबसे पहले सीधा करूँगा, बहुत ही हल्का हल्का। और देखिए दोस्तों, इसमें पोस्टर एक्रेलिक कलर में लीजिएगा, नहीं तो एक्रेलिक कलर सब काम एक्रेलिक। चलिए काम सक्सेसफुल हो गया। चलिए अब हम आगे भी ज्वाइन करते हैं।
सबसे पहले हमें थंडर एंड लाइटनिंग सीखने होंगे इस पर, तो उसके लिए मैं ये वाला कलर लूँगा और यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे शेड्स। अब हम थोड़ा ब्लर एरिया बनाएंगे आस पास का, पानी की मदद से ज़्यादा पानी का कलर ले लगा के ऐसा ब्लर एरिया बन सकता है। आप भी ऐसे चाहिए, अब ऐसे ऐसे बना सकते हैं। अब देख सकते हैं कि मैंने इसके दोनों साइड पे कर दिया है। अब हमें बस दिक्कत होने वाली है, चलिए अब स्किन कलर का काम आता है। अब इसके कानों में स्किन कलर से बच डालेंगे। सबसे पहले तो और बाहरी हिस्से में जैसे हम पूरी स्किन पे करते हैं ब्राउन एरियाज जैसे इफेक्ट्स पीस से ब्राउन से डालेंगे, कहीं डार्क कहीं कहीं लाइट का इफेक्ट जो आता है वो सबसे अच्छा होता है देखो मेरे हिसाब से। ये देखिए सब कुछ कितना रियल लग रहा है। चलिए आगे सबसे पहले अब हमें और किस शूट पे करना है, तो सबसे पहले हम बर्तन में कलर करेंगे। ये हो जाने के बाद अब हमें इसके थोड़ा सी ब्लू कलर करना है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एकदम डार्क ब्लू कलर का, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा में है तो उसका थोड़ा कलर भी सा, या फिर हम उसे थोड़े और कलर भी डाल देंगे। चिंता मत कीजिए, पहले हमें इसे इस तरह से बनाना है, पहले हम इसी तरह से इसे बनाएंगे। ये हो जाने के बाद अब हमें इसके इफेक्ट्स देने हैं। इसी तरह इसके भी फर्क इस तरह, जाने के बाद चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने वहाँ पे अंदर का थोड़ा दिखाया है वैसे ही वहाँ यहाँ पे भी दिखाएंगे, उस एरिया में हमने थोड़ा ज़्यादा दिखाया है, यहाँ थोड़ा कम दिखाएंगे। ये हो जाने के बाद अब हमें थोड़ा डार्क ब्लू कलर लेना है, जैसे हमने उसे गैस में किया था उसे डार्क ब्लू करना है। हमें इस एरिया को थोड़ा ज़्यादा डार्क करना होगा,
ये हो गया। चलिए अब हम इस साइड में भी जैसे हमने वहाँ बैठा किया था उसका नाम भी बता दें। ये साइड थोड़ी ज़्यादा डार्क करनी है। अब हम यहाँ पे एकदम डार्क बिल्कुल कर देंगे ताकि ऐसा लगे जैसे थोड़ा सा लाइटिंग जैसे ये जो पार्ट हम कभी कर रहे हैं ये पेंटिंग का सबसे ईजी तो इसे हम आराम से चलिए इसके अंदर भी पेंटिंग्स डालते हैं जिससे रियल सा लगे। वेल एक्चुअली इसमें ब्लू नहीं थे लेकिन इस वक्त जो हमारा थॉर है वो थंडर एंड लाइटिंग में है, अपने थंडर बोल्ट का इस्तेमाल कर रहा है तो इसलिए हम अंदर के एरिया को ब्लू करेंगे आज। ये जाने के बाद हमें इस पूरे एरिया को ब्लैक करना होगा जो इसके अंदर का एरिया है कुछ इस तरह से, और हम चाहें तो डार्क कलर भी दे सकते हैं। इस एरिया के अंदर के हिस्से को ब्लैक करें। चाहे तो आप लाइट ब्लू कलर और डार्क ब्लू कलर के मिक्सअप से इस एरिया को बना सकते हैं। उसके अंदर ब्लैक कलर के इफेक्ट देखिए हमारा थॉर एकदम रियल लग रहा है। बस एक छोटी सी चीज़ बाकी है, हमने अभी तक थंडर एंड लाइटनिंग नहीं बनाई तो चलिए उसे बनाते हैं। जो मैंने निशान बनाए थे मैं उनके बीच में सबसे पहले कुछ ऐसे मार्क्स बनाऊंगा। कुछ इस तरह कुछ ऐसे मार्क्स बनाए थे तो सबसे पहले मैं उसे ऐसे ही पेंट करूँगा इस एरिया में लगा कर। ये बताने के बाद अब हमें व्हाइट कलर से थंडर एंड लाइटनिंग को देखिए बहुत ही काम है तो हम इसे आराम से काफ़ी बहुत ही तो आराम से इसे करिए और ठंडा एंड लाइटिंग बनाए। ठंडा एंड लाइटिंग का सब इफेक्ट्स बना रहे कुछ ही नहीं, और अगर बन जाए तो भी कोई बात नहीं अच्छी लगी। ये हो जाने के बाद अब हमें चेहरे पे ठंडा एंड लाइटिंग्स बनाए तो सबसे पहले कलर को धोले और व्हाइट कलर को लाइट डार्क ब्लू कलर में उसके बाद अब हम आँखों और ऐसा
आंखों को रियल बनाने के लिए बस एक काम और है, डार्क ब्लू कलर की आउटलाइन्स। उसके बाद व्हाइट कलर की यहाँ पे ये देने के बाद डार्क कलर से जो हमने पहले आके कोई बात नहीं, हम उसे फिर से हाईलाइट कर देंगे। इस पूरे एरिया को ऐसे टर्न लग गया। ओह यहाँ तो थोड़ी हमारी गड़बड़ है, कोई बात नहीं, हम उसे फिर से ठीक कर। ज़्यादा क्वांटिटी में कलर लेना होगा। ताकि हम आप फिर से बना सकें। इस तरह से जो हमने लाइट कलर कर दिया था उसे फिर से डार्क कराने के लिए हमें इफेक्ट्स डालने पड़ेंगे बार बार। पहले तो ब्रश को अच्छे से ताकि जो वाइट कलर है वो पूरा मिट जाए और वाइट कलर दिखाई ना दे। सकते हैं कि हमें थॉट की आंखों में एकदम बिजली सी दिखाई है और अब हमारी पेंटिंग पूरी तरह से तैयार है। और एकदम बहुत ही कड़क थी कड़का। देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। अब आप तो देख सकते हैं हमारी पेंटिंग तैयार हो गई है पूरी तरह से, हमने इफेक्ट बहुत अच्छे डाले हैं, बस थोड़ा सा काम बाकी है। बाइनरी चीज़ें जैसे बिजली की थोड़ी वाइट चीज़ें, भी थोड़े व्हाइट इफेक्ट्स जैसे कुछ ऐसे। चलिए अब आप देख सकते हैं कि आप हमारी पेंटिंग तैयार हो गई है। अब मैं आपको मेरी पूरी पेंटिंग दिखाने वाला हूँ। देखिए
आपको हवाई जहाज अच्छे से दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मुझे आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। तो चलिए हम चलते हैं। हे गाइस, होप यू एंजॉय द वीडियो। ओ इफ यू एंजॉय द वीडियो सो प्लीज लाइक द वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन डाउन बिलो। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ पेंटिंग। यस, दे आई हैव क्रिएटेड टॉप एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू प्रॉपर। Let's see how I have painted my painting. Okay, so bye-bye for this time. I'll meet again after some time. हाँ, इस बार का ज़्यादा लेट हो गया। तो चलिए अगली बार मिलेंगे अब। बाय बाय, वेरी क्रिएटिव आर्ट्स, बी क्रिएटिव एंड ट्राई टू डू आर्ट्स। ओके, सो बाय।